नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है वीरेन सिंह और होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। अच्छा, कई बार आप लोगों ने सोचा होगा ना कि या कभी यार हमें लगता है कि यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है और हमारी लाइफ कितनी बुरी चल रही है। कई बार ऐसा मैं भी जो है मुझे भी लगता था पहले, मतलब जब मुझे जो है थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, लेकिन धीरे धीरे लाइफ ने काफी कुछ सिखा दिया। और अभी भी आप लोगों को लगता होगा, आप ज्यादातर आजकल की जो लाइफ है, दिन भर में 3-4 घंटे लोग सोशल मीडिया पे बिता देते हैं। कभी फेसबुक जो है वो स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टा स्क्रॉल कर रहा है, कभी कभी यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा है, कभी हम कोई रील्स देख रहे हैं, कोई शॉर्ट्स देख रहे हैं, कोई यूट्यूब पे जो है शॉर्ट्स चल रहा है या फेसबुक पे कोई रील्स चल रहा है, उसको देखते हैं और देखते हैं कि यार इसकी लाइफ तो कितनी मस्त है। इवन रील्स और शॉर्ट्स तो छोड़िए, वो तो चलो ठीक है, लेकिन साथ में अगर कोई फोटो अपलोड करता है और उस फोटो को देखते हैं तो हमें लगता है कि यार इसकी जिंदगी कितनी मस्त चल रही है। और जब भी आप किसी दोस्त से बात करते हैं तो वो इतना बढ़ा चढ़ा के चीजें बताता है, यार सब बढ़िया है, सब मस्त है, सारी चीजें अच्छी चल रही है। और फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि यार लाइफ तो बड़ी हमारी खराब चल रही है, हम खुद में ही डाउन फील करने लगते हैं। लेकिन अगर आप डीपली चीजों को ऑब्जर्व करें ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि सभी की जो लाइफ है ना वो लगभग वैसे ही चलती है। सभी की लाइफ में जो है चीजें बराबर ही है, लेकिन हम खुद को एग्जेजरेटेड करके जो है सोशल मीडिया पर रिप्रेजेंट करते हैं और फिर जो है हमें उस सोशल मीडिया की चीजों से जो है फंस जाते हैं। जैसे समझने की कोशिश करिए कि आप किसी भी दोस्त हो, आपका कोई भी दोस्त हो ना, आप अगर जेन्युइन दोस्त हो, अगर आप डीप लेवल पे किसी से जाके कम्युनिकेट करिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस में लीजिए उसको, थोड़ा अच्छे से बात विचार करिए, थोड़ा जब ट्यूनिंग बैठ जाए ना और फिर उससे जो है बोलिए कि अरे यार कैसे चल रही लाइफ, तो वो भी आपको ऐसे ही रोएगा, अरे यार जिंदगी तो बेकार हो रखी है, ये प्रॉब्लम, ये टेंशन, वो चीजें, ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें जो है वो बात करेगा जैसे आप कर रहे हैं। और किसी से भी अगर आप ऊपर लेवल पे उसकी लाइफ देख रहे हैं ना तो आपको लगेगा यार क्या मस्त जिंदगी है इसकी, मेरी कितनी खराब है। लेकिन उसी इंसान से जब आप डीप डाउन लेवल पे बात करोगे ना तो वो भी वही कहेगा कि यार मेरी भी जिंदगी कुछ खास नहीं है, चल रही है बस। और सभी के साथ ही ऐसा है, लेकिन फिर ये चीजें आग कैसे रही, इसको समझने की कोशिश करिए कि अगर आप किसी की लाइफ से जो इन्फ्लुएंस हो रहे तो वो जो पर्सन है जिसके लाइफ से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो 24 घंटे जो है जी रहा, 24 घंटे में से हो सकता है कि उसके लाइफ में 5 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटा जो है अच्छा आया, 23 घंटे जो है अच्छे नहीं आए, उस 1 घंटा जो अच्छा आया उसमें से जो है अपने पार्टनर के साथ या अपने फैमिली के साथ या कहीं पे घूमने जा रहा है, उनमें कई सारे उसने फोटोज ले ली, रील्स बना लिया, उस 1 घंटे में लगभग वो 500 फोटोज लेगा जो उसका अच्छा मोमेंट है। और उस 1 घंटे में जो उसका अच्छा मोमेंट था, उस 500 फोटोज में से वो 1 या 2 फोटो सेलेक्ट करेगा और उसको फिल्टर लगा के जो है सोशल मीडिया पे डाल देगा। तो उस बंदे ने अपने पूरे के पूरे 24 घंटे में से जो 23 घंटे उस पर फोकस नहीं किया, वो सिर्फ 1 घंटे पे फोकस किया और उस 1 घंटे में 500 फोटोज में से जो है 1 फोटो या 2 फोटो जो उसको बेस्ट लगी, उस फोटो उसने फेसबुक पे सेलेक्ट कर दिया और फेसबुक पे सेलेक्ट करके डाल दिया। और आप अपने 24 घंटे में से उस 1 घंटे या उस 10 मिनट या वो 5 मिनट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, आप अपने 23 घंटे को उसके 1 घंटे से कंपेयर कर रहे हो, दूसरी की लाइफ का बेस्ट मोमेंट देख रहे हो जो सोशल मीडिया पे आ रखा है और आप अपनी लाइफ का वर्स्ट मोमेंट देख रहे हो जो उसे कंपेयर कर रहे हो, तो ये कंपैरिजन तो हमेशा ही नाइंसाफी वाला हो जाएगा। तो आपको तो अपनी लाइफ खराब लगेगी, आपकी लाइफ में भी 24 घंटे में से 1 घंटा अच्छा ही आता होगा, उस 1 घंटे में कई सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे जो अच्छे आते होंगे। लेकिन हो सकता है कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे ना हो, या हो सकता है आप बार बार सोशल मीडिया पे अपडेट ना कर रहे, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो ना तो जो सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर रहा है तो क्या वो सच में 24 घंटा खुश है? वो सिर्फ फोटोज क्लिक करने के लिए, या कई बार कुछ लोगों की ड्यूटी हो जाती है सिर्फ उनके लिए खुश है? तो सोशल मीडिया पे जो है देख के कई बार अपनी चीजों को जो है वो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, मतलब वो अच्छा है या वो चीजें दिख रही है तो एक बार उस अच्छाई को देख के हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हमारा ही लाइफ गड़बड़ हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो कंपैरिजन है ना वो बड़ा ही इलॉजिकल है। जो बंदा सोशल मीडिया पे एक फोटो लगा रहा है ना, वो एक्चुअली में 24 घंटे में से जो उसका 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट अच्छा आया, उस अच्छे में से उसने 100 फोटोज ले रखी, उस तो 100 फोटोज में से 50 फोटोज में से वो 1 या 2 बेस्ट सेलेक्ट करके अपलोड कर रहा है और आप जो है वो चीजें कंपेयर कर रहे हैं। तो ये अगर आप भी देखोगे तो 24 घंटे में आपके पास भी 5-10 मिनट, आधे घंटे 1 घंटे अच्छा आएगा, उसमें भी आप फोटो लेके अपलोड करो, दूसरे जलने शुरू हो जाएंगे। तो कहानी यही पे जो है यही ट्विस्ट है और यही रियलिटी है। तो जब भी हम सोशल मीडिया को देख के अपने लाइफ को जज करेंगे, हम हमेशा ही दुखी रहेंगे और हमेशा ही हम अपने आप को जो है वो लो फील करेंगे और अपने आप को जो है हम नीचे पाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि आप सोशल मीडिया को रियलिटी जब नहीं मानेंगे
तो आपका जो नॉर्मल लाइफ है ना वो इतना कंपेरेबल हो गए, आप सोशल मीडिया को सोशल मीडिया ही समझे और वहां की फोटोज की रियलिटी को जाने कि वो उसकी रियलिटी है क्या। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया की रियलिटी को सच में रियलिटी मान रहे हैं, ठीक है, तो एक्चुअली में फिर गड़बड़ है, क्योंकि ये रियलिटी और सोशल मीडिया की रियलिटी में डिफरेंस है। और लाइफ रियलिटी और सोशल मीडिया की रियलिटी से बचिएगा तो आपके मन में जो ये दुख या कंपैरिजन या दूसरों को देख के जो अलग सी भावना आती है ना, वो थोड़ा सा आप उसे बचे रहेंगे। ठीक है, अगर ये बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, और किसी बात या किसी चीज पे आप बात करना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।